हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने का एक सुनहरा अवसर। केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी टीचर्स की, PGT और TGT की, इसके अलावा भी अगर कोई पोस्ट है तो नोटिफिकेशन में देख लेंगे। सैलरी आप सभी जानते हैं कि अभी जो है संविदा पर वैकेंसी निकाली जा रही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में यदि आप एक वर्ष काम कर लेते हैं, परमानेंट वैकेंसी आती है, तो आप लोगों का जो रिटर्न टेस्ट के बाद इंटरव्यू रहेगा तो उसको आप पहले ही जो है देख लेते हैं कि कैसे जो है इंटरव्यू लिया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है अच्छा चांस रहता है केंद्रीय विद्यालय में काम करने का। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पहले आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल काम कर लेते हैं और उसके बाद जो है परमानेंट वैकेंसी आती है तो आधी जो तैयारी है वो आप लोगों की हो ही जाती है। साथ में जो है सैलरी भी आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। तो निःशुल्क आवेदन करना है, कोई परीक्षा नहीं, केवल इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करके नहीं भेजना है, डायरेक्ट इंटरव्यू पहुंचना है इंटरव्यू के दिन। चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये जो है हिंदी में है और इंग्लिश में भी जो है दिया गया है, जिसमें भी आप सुटेबल हों उसे आप देख सकते हैं। हिंदी में आप लोगों को बता देती हूँ, PM श्री केंद्रीय विद्यालय पानागढ़, और ये जो है वेस्ट बंगाल में है, पश्चिमी बंगाल की वैकेंसी है, लेकिन किसी भी राज्य के कैंडिडेट जो है इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यू जो है 25 सितंबर 2024 को होगा। सब्जेक्ट देख लें आप, PGT में गणित कॉमर्स की वैकेंसी है। कॉमर्स वाले कैंडिडेट ध्यान दें, कॉमर्स की वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है। तो आप जो है सरकारी स्कूल केंद्रीय विद्यालय में काम करेंगे, काफ़ी अच्छा जो है ये एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स में गणित और हिंदी की वैकेंसी है और काउंसलर की भी वैकेंसी है। ठीक है, काउंसलर की वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन जो है क्या मांगी जाती है, तो इन्होंने जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट वाइज दिया हुआ है। काउंसलर की आप देखें, काउंसलर के लिए इन्होंने कहा है BA साइकोलॉजी से या फिर BSc आपकी साइकोलॉजी से हो, साथ में जो है 1 ईयर का जो डिप्लोमा होता है काउंसलिंग में वो आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है, ये काउंसलिंग के लिए। और बाकी जो है यहाँ पर PRT की वैकेंसी तो नहीं निकाली है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, तो इसमें स्नातक के साथ में BEd और आपका CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। PGT की जो वैकेंसी है तो उसमें मास्टर डिग्री आपकी और BEd मांगते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आप किसी भी मीडियम से पढ़े हैं आप लोग बिल्कुल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई बार केंद्रीय विद्यालय में जाने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है बट उनका माध्यम जो है हिंदी होता है, तो वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हम नहीं जा पाएंगे, इंटरव्यू में केवल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आपकी हिंदी में इंटरव्यू देने में सक्षम हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का हिंदी में ही इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हैं तो इंग्लिश में लिया जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो आपको इंग्लिश में ही पढ़ाने होते हैं। एक सामाजिक विषय ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया जाता है। 10 बजे आप लोगों का साक्षात्कार होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 8 बजे विद्यालय में पहुंच जाएं, आवश्यक शैक्षणिक आदि योग्यताओं के मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 10th के बाद के अब तक के ओरिजिनल भी लेके जाना है, उनकी फोटोकॉपी भी एक एक लेके जानी है, फ़ोटो भी ले जाएं दो। अभ्यर्थी सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता और अधिक जानकारी के लिए PM श्री केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि PGT के लिए मास्टर डिग्री के साथ में BEd, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास BEd और आपका CTET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। काउंसलर के लिए BA या BSc आपकी हो और साथ में 1 साल का डिप्लोमा काउंसलिंग में। ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन पर आप लोग आएंगे थोड़ा नीचे, और यहाँ पर आप लोगों को 12 सितंबर का 4 नोटिस नज़र आएंगे, वॉक इन इंटरव्यू 25 सितंबर 2024 को,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिंदी में इंग्लिश में दोनों में, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कहीं भेजना नहीं है, डायरेक्ट स्कूल में ही पहुंचना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वैकेंसी किसी भी राज्य की आप लोगों को बताई जाएगी। थैंक यू।